तो कैसे हैं आप सब। मैं सीपी मिश्रा फिर से आ गया आपको रीजेंट की सीरीज में आपका स्वागत है। आप LiLH4 पढ़ चुके हैं, NABH4 पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आपको पढ़ना SeO2 है ना, SeO2 पढ़ना है। तो SeO2 में क्या है कि सेलेनियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या करना है इसको, है ना। SeO2 पढ़ना है और हम चाहते हैं कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो लगभग आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, है ना। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप ध्यान दे रहे हो, मतलब NABH4 हमने पढ़ा ही दिया आपको, LiLH4 पढ़ा ही दिया, बस थोड़ा सा और बचा है SeO2 भी, उसको भी पढ़ लो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, SeO2। ठीक है, चलिए हम देखते हैं SeO2। ठीक है, अब देखो जरा, अब देखो जरा SeO2 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेलेनियम ऑक्साइड है। अब देखो पहली बात तो यह है कि SeO2 करता क्या क्या है। तो बेटा SeO2 क्या क्या करता है, सबसे पहले तो कीटोन का फॉर्मेशन करता है। पहली बात तो SeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, किस प्रकार का एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली बात तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जरा एक बार बता दो, मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर आ रही है, जरा जितने लोग जुड़े हुए हैं बता दो बेटा, जितने लोग जुड़े हुए हैं बता दो, आवाज आ रही है क्या, सब कुछ ओके है ना। चलो देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है SeO2 आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखो ये काम क्या करता करता है, ऑक्सीडेटिव नेचर जो इसमें आता है ना, ऑक्सीजन की वजह से आता है। आपको पता है, देखो मैंने अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि रिडक्शन किसे कहते हैं और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब देखो रिडक्शन में एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन में हो गया ऑक्सीजन का, तो अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद भी बचता है रिडक्शन जो होता है ना, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो ऑक्सीडेशन होता है ना, ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। SeO4 जो है आपका वो है, SeO4 जो है आपका, सॉरी SeO2 जो है ये आपका है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज करता है किसी को, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। तो पहला देखो ऑक्सीडेशन किसे करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्टिव मेथिल एंड मेथिलीन ग्रुप। रिएक्टिव मेथिल को ये ऑक्सीडाइज करता है और किसे करता है, मिथाइलिन ग्रुप को करता है। ठीक है, अब देखो मेथिल ग्रुप और मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है वो समझो। ठीक है, अब देखो मान लो ये लिखा हुआ है CH3CHO, बहुत यूनिक रीजेंट है ये, मतलब इस तरह का रीजेंट आप इसमें पूरे रीजेंट में पाओगे नहीं, CH3CHO। इसमें जब हमने डाला SeO2, जब हमने इसमें डाला SeO2 तो बन गया CHO.CHO। समझ में आया कि नहीं है, CHO.CHO। ठीक, इसके बाद में अगर हमने लिया CH3CO CH3, फिर से इसमें SeO2 डाला, क्या बन जाएगा, CH3CO CHO। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि यहां पर मेथिलीन या मेथिल ग्रुप को क्या बना दे रहा है, ये सीधा CHO में कन्वर्ट कर देना है, यानी एल्डिहाइड बना दे रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन करवा दे रहा है, बस इतनी सी बात है। ये बहुत भयंकर रिजेंट है, मतलब एक अनोखा रिजेंट है, क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी रिजेंट इस तरह से नहीं पाओगे जो आपका एल्केन को या एल्किल ग्रुप को एल्डिहाइड में बना सकता हो। एक रिजेंट आपका केमेनोफोर एल्कलाइन होता है जो कि आप उसको जो है एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो C6H5CO CH3, इसमें डाला SeO2 तो क्या बन जाएगा, C6H5CO CHO, ये बन जाएगा।
समझ रहे हो ना, C6H5COCHO बन जाएगा। देखो इस वाले CH3 का क्या बन गया, इस वाले CH3 का क्या बन गया, CHO बन गया। समझ में आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद देखो, मान लो यहां पर हमने लिया H2C COOCH2 5C2H5 का होल्ड। अब बताओ क्या होगा, ये क्या होगा इसका, देखो ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसको समझो CO2H5CH2COOCH5। ठीक है, अब इसके साथ अगर आपने SiO2 डाला, सेलेनियम ऑक्साइड है इसका नाम, ठीक है, सेलेनियम ऑक्साइड अगर इसके साथ आपने डाला तो सोचो क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है भैया। ये ग्रुप तो देखो ये मैक्सिमम ऑक्सीडाइज की लिमिट है, एस्टर बन गया, एस्टर से ज्यादा कहाँ ऑक्सीडाइज करवा दोगे भाई, दो कार्बन दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसके साथ, मतलब एसिड जैसा बना हुआ है लगभग, तो एस्टर से ज्यादा क्या ऑक्सीडाइज करवा दोगे। लेकिन हाँ, इस ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप इसी को बोलते हैं, इस मिथाइलिन ग्रुप को जो है आप मिथाइलिन ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, कैसे, C(OO)CH5 C(OO)CO(OC2H)। ठीक है, तो पहला बार क्या क्या हो गया इसका, कि मेथिल ग्रुप और मिथाइलिन ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करवा देता है। मेथिल ग्रुप का मतलब, जैसे मान लो हमने CHO लिया था, CH3 साथ में लगा हुआ था, तो ये आपका मेथिल ग्रुप था, ये आपका मेथिल ग्रुप था। इस मेथिल ग्रुप ने SiO2 के साथ रिएक्शन किया जब, तो क्या बन गया इसका, ऑक्सीडेशन हो गया और क्या बन गया, CHO बन गया। ठीक है, सेम यही प्रोसेस जब हमने इसके साथ करवाया था, इसके साथ करवाया था, एस्टर के साथ करवाया था, SiO2 डाला था, जब हमने SiO2 डाला था, तो इसमें भी क्या हुआ, ये तो सेम रह गया, जैसा था वैसा ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका कीटोन बन गया, ये क्या बन गया आपका, कीटोन बन गया। तो समझ में आ रहा है SiO2 का क्या वर्क है, SiO2 का वर्क है मेथिल और मेथाइलिन ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना, या फिर कीटोन में कन्वर्ट कर देना। अब तुम लोग इस बात का ध्यान रखोगे कि जो मेथिल ग्रुप है, कोई भी मेथिल ग्रुप डाल दोगे क्या उसका एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा, नहीं, उसके लिए जरूरी यह है कि CHO ग्रुप से जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप होना चाहिए। ठीक, तो पहला कंडीशन आपको समझ में आया, पहला समझ में आया। अच्छा, अब देखो ये देखो, ये थोड़ा सा यूनिक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये देखो CH3 डाला, इसमें डाला आपने SiO2, क्या बन गया, क्या बन गया, CHO। ठीक है, यहां भी मिथिल ग्रुप का क्या बन गया, CHO बन गया, किससे जुड़ा हुआ था, इस N से जुड़ा हुआ था, इस रिंग से जुड़ा हुआ CH3 था ये हो। ठीक, अच्छा मान लो हमारे पास मिथिल ग्रुप है ही नहीं, अब देखो अब क्या करेगा ये काम, SiO2 क्या काम करेगा, SiO2 को इससे मतलब है ही नहीं कि मिथिल ग्रुप है कि नहीं है, SiO2 को तो सिर्फ इससे मतलब है कि भैया इधर हाइड्रोजन कहाँ लगा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन है कहाँ पर, अब देखो यहां पर है, यहां पर, इन दोनों में से एक को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कीटोन में, एक तो आपका ये बना, एक आपका ये बन सकता, मतलब क्या करता है ये मिथाइलिन ग्रुप को, और या मेथिल ग्रुप को, मेथिल ग्रुप और मिथाइलिन ग्रुप किससे जुड़े होने चाहिए, एल्डिहाइड से, इसमें कन्वर्ट कर देता है कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है कीटोन में। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, के बाद देखो। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना सबको समझ में आया। अब देखो ए एलिसाइक एलिलिक हाइड्रो हाइड्रोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन कैसे करता है, देखो ये रहा SiO2, देखो कैसे करता है, SiO2 एलिलिक हाइड्रोजन मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3, इसमें डाला आपने SiO2 डाला। अब देखो यहां पर भी आप ध्यान रखो, आपको क्या करना है ना, एलिलिक हाइड्रोजन को ये क्या करता है, उसका हाइड्रोक्सिलेशन करवा देता है। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है कि OH ग्रुप को ऐड करवा दे, तो इसके एलिलिक कितने हाइड्रोजन, देखो इस कार्बन के, देखो इसके एलिलिक कितने, एलिलिक होता है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन, जैसे यहां डबल बॉन्ड है, ये एलिलिक है आपका, ये पोजीशन एलिलिक है, ये पोजीशन आपका एलिलिक है,
इन तीनों में से कहीं एक जगह क्या बना देगा, ये अल्कोहल बना देगा। इसका काम है ये, क्यों बना देगा, इसका काम है ये, इसका काम है ये। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो समझ में आया कि नहीं है। उसके बाद देखो CH3, CH11C, CH3, C2H5, SiO2, ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। अब CH3 वाले में ही बना लो अल्कोहल CH। देखो इसके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं वो मैं, एक तो आपका ये बन सकता है, एक आपका बन सकता है CH3। ये बन सकता है, ठीक है, इधर को लगा हुआ होगा, ये आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं है, ये इतने आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं जल्दी। ये वाला समझ में आया। अच्छा अब जरा एक बात बताओ, ये किस पोजीशन पर अटैक करने जाता है, किस पोजीशन पर अटैक करने जाता है, जानते हो कि नहीं जानते हो। SiO2 डाला, इसे कहाँ करना है, एलिलिक करवाना है, किस जगह पर अटैक करवाना है, एलिलिक करवाना है। यहाँ ऐसे ही रहेगा, यहाँ बन जाएगा कीटोन। बोलो समझ में आ रहा है ना, ऑल क्लियर, पूरा समझ में आ रहा है ना सबको, पूरा समझ में आ रहा है ना। तो क्या क्या काम करता है, अभी तक आपने पढ़ा ये कि पहला तो ये क्या करता है, मेथिल या मिथाइलिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है। पहला काम है मेथिल और मिथाइलिन को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्कोहल में, कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्कोहल में। दूसरा ये एलिलिक पोजीशन पे क्या करवा देता है, हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सीलेशन क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जुड़ना, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। अब बताओ जैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन पे अगर ओएच ग्रुप लग जा रहा है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप लग जा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स इट। अगर किसी भी ओएच ग्रुप पे, किसी भी हाइड्रोकार्बन पे ओएच ग्रुप लग जा रहा है, इसका मतलब है कि वो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सीलेशन, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद है नेक्स्ट डिहाइड्रोजिनेशन, इसके बाद है नेक्स्ट डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकाल। अब देखो डिहाइड्रोजिनेशन कैसे होता है, डिहाइड्रोजिनेशन ऐसे होता है कि मान लो C6H5 और CH2OH लगा हुआ है, ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। अब देखो आपको तो पता ही है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि SiO2 जो है ना, ये ऑक्सीडेशन क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ये CH2OH है, ये CH2OH है, SiO2 जब पड़ेगा ना तो क्या बना देगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ वाला एक हाइड्रोजन निकालेगा, H2 बाहर निकाल देगा। तो देखो डिहाइड्रोजनेशन हो गया कि नहीं होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया, और जब दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो देखो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, सी डबल बॉन्ड हो बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ यही बचेगा। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना, और जब हाइड्रोजन का बाहर निकल जाता है ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक फॉर्मेशन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। एक दो एग्जाम्पल हम और करवा दे करवा ही देते हैं, तुम लोग तो बोलोगे नहीं। CH3C डबल बॉन्ड हो, अच्छा अब देखो इसको 2 यूनिट ले लो एक्चुअली, है ना, 2 यूनिट का मतलब एक ऊपर लिखा हो तो एक नीचे लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ऊपर लिखा हो तो एक नीचे लिख लो, क्या हो जाएगा अब की बार। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक्चुअली अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ना, अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये, इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये, इसमें से एक हाइड्रोजन, इसके एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ क्या आएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, डन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा ना, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन करवा देगा ना। डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन ही तो कहलाता है। ठीक, फिर देखो एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है? अब कैटलिस्ट की तरह कैसे वर्क करता है? जब आपके पास कभी इस तरह का कोई कंपाउंड मिल जाए, SiO2, देखो कैटलिस्ट भी है लेकिन H2O2 के साथ अगर पड़ा हुआ है और साथ में आपके पड़ा हुआ है SiO2, तो ये क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा OH, COOH, CHOH। बोलो समझ में आएगा नहीं? अब देखो यहां पर H2O2 जान, तो ये देखो ये टूटेगा, ये टूटेगा, एक OH है, एक OH, SiO2 आपका कैटलिस्ट है, ले जा करके उठा करके लगा देगा, एक OH यहाँ लगाएगा, एक OH यहाँ लगाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जरा, ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी बिल्कुल हो गया ऑक्सीडेशन, ऐसे ही तो करवाना था ऑक्सीडेशन। तो एज अ कैटलिस्ट भी ये वर्क करता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो देखो मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ पूरा कुछ, सारा रिकैप कर दे। SiO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SiO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SiO2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करवाता है? ऑक्सीडाइज करवाता है। किसे किसे करवाता है? सबसे पहले मेथिल और मिथाइलिन ग्रुप को करवाता है, मेथिल और मिथाइलिन ग्रुप को करवाता है, सबसे पहला काम। दूसरा किसे करवाता है? बोलो, एलिलिक, एलिलिक हाइड्रोक्सिलेशन, एलिलिक हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। तीसरा क्या करवाता है? गए सब लोग, ये गलत बात है। देखो रुकोगे नहीं तो फिर जान कैसे पाओगे? देखना पड़ेगा ना, कंसिस्टेंसी तो चाहिए। चलो देखो एलिलिक क्या कराता है? एलिलिक पर हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, OH ग्रुप लगा देता है। तीसरा क्या करता है? डिहाइड्रोजिनेशन करवा देता है। तीसरा डिहाइड्रोजिनेशन करवा देता है। और चौथा आपका एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। अब मान लो मैंने आपको ये वर्क दिया, उसमें डाल दिया SiO2, बताओ क्या करेगा? सीधी सी बात है, ये डबल बॉन्ड है, इसका एलिलिक कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर है, उठा करके जाएगा कीटोन लगा देगा इनमें से एक जगह। ठीक, इसके बाद में मान लो यहाँ पर है CH2 या CH3, CHO, इस तरह से दिया, SiO2 डाला, क्या करेगा? इस पोजीशन पर जाकर के अटैक करता है, क्या बना देगा? CHOH, CHO, या फिर CHO बना देगा, CHO बना देगा और CHO बना देगा। ठीक है, एल्डिहाइड बना देगा, मतलब दोनों। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर मान लो आपके पास कोई अल्कोहल है, CH3COH, अगर SiO2 पड़ा हुआ है तो ये डिहाइड्रोजिनेशन करवा देगा, यानी H2 बाहर निकाल देगा, तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड, तो मतलब कीटोन या फिर एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना सब लोग? एक है कैटलिस्ट की तरह, कैटलिस्ट की तरह ये कैसे यूज होता है? अब देखो इसको बोलना नहीं बेटा, कैटलिस्ट की तरह कैसे यूज होता है? कैटलिस्ट की तरह यूज होता है कि मान लो किसी में हाइड्रोजन परऑक्साइड पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड काम करेगा SiO2 के साथ, बना देगा एल्कोहल। हाइड्रोजन परऑक्साइड SiO2 के साथ मिलकर के क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा। और किसे बनाएगा जानते हो? डबल बॉन्ड को बनाएगा। किसे बनाएगा? जैसे मान लो ये लिखा हुआ CH3CH2 का होल 7, CH डबल बॉन्ड CH CH2 का होल 7। देखो बड़ा लंबा रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, है ना? इसमें जब डालोगे आप H2O2 और SiO2, ये आपका बन जाएगा CH3CH2 का होल 7, CH, वहाँ पर एक जो एल्कीन था वहीं पे एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले पर भी एल्कोहल बन जाएगा और CH2 का होल 7, और क्या बन गया? CO2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इतना वर्क था, है
ना, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, अभी केवल रीजेंट का हम वर्क बता रहे हैं। ठीक, तो किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, SE2 का वर्क लिख ले जाओगे ना? ओके, बाय बाय, गुड नाइट।